फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आज हम एक और ब्रांड न्यू वीडियो के साथ। तो भाई, जैसे कि आप लोगों को पता है कि मेरी फर्स्ट स्टोरी टाइम वीडियो है, तो 10 से 10 को शेयर करो, लाइक करो और नीचे कमेंट में बॉक्स में जाके अच्छे अच्छे कमेंट। तो चलो शुरू करते हैं। सालों बाद उसकी कॉल आई मेरे पास। यही रात के करीब 1:30 बज रहे थे। मैं जगा हुआ था, इंस्टाग्राम पे फीड स्क्रॉल कर रहा था, मीम्स देख रहा था। अचानक एक अननोन नंबर से कॉल आई। मुझे समझ में नहीं आया कि इतनी रात को आखिर कौन हो सकता है। मैंने सोचा इग्नोर कर देता हूँ, अगर कोई इंपॉर्टेंट कॉल होगी तो दोबारा आ जाएगी। आई इग्नोर्ड इट, लेकिन वो फिर आई। मैंने इस बार कॉल उठाया। मैंने हेलो बोला। सामने से आवाज़ आई, हेलो। अचानक से पूरा मूड बदल गया मेरा, क्योंकि ये आवाज़ कुछ जानी पहचानी सी लग रही थी। ये आवाज़ सुनते ही आँखों के सामने अंधेरा छा गया। बहुत सी यादें ताज़ा हो गई, बहुत से जख्म ताज़ा हो गए। मेरी टूटी हुई आवाज़ में एक बार फिर हेलो निकला और वहाँ से आवाज़ आई, डिस्टर्ब तो नहीं किया। मुझे रिप्लाई करते हुए भी घबराहट सी हो रही थी। हाँ बोलूँ ना बोलूँ कुछ समझ नहीं आ रहा था। मेरे मन में सवालों का भवंडर घूमने लगा कि आखिर क्यों आज ऐसे अचानक इतने सालों बाद मेरी याद आ गई, क्यों आए वो आप। मैंने हिम्मत करके बोला, नहीं बोलो। उसने पूछा, कैसे हो। मैंने कहा, ठीक हूँ। मेरे सवाल के बाद उसका रोना छूट गया और कहा, ठीक नहीं। अब मैं और भी ज़्यादा कंफ्यूज हो गया कि ये हो क्या रहा है। आउट ऑफ नोवेयर इतने सालों बाद देर रात को कॉल आती है और रोना निकल गया। मैंने छुपाया, बात करी तो पता चला कि वो जिसके साथ थी उसने उसको किसी और के लिए छोड़ दिया। वो जैसे जैसे बता रही थी कि जिस तरह वो गड़गड़ाई उसके लिए, उसे रोकने के लिए, उसके प्यार के लिए, उसी तरह मैं भी गड़गड़ाया था एक दिन उसी के लिए, उसी के प्यार के लिए। और जिस तरह उस लड़के ने मुड़ के नहीं देखा इसे, उसी तरह इसने भी नहीं मुड़ के देखा था मुझे। मेरी आंखों में आंसू थे और चेहरे पे मुस्कुराहट की। किसी के कर्मों की सजा उसे बखूबी मिली है, किसी के सच्चे प्यार को टुकराने की सजा बड़ी शिद्दत से मिली है। वो रोते रोते मुझसे माफिया मांगने लगी, बहुत माफिया मांगी, बहुत मिन्नतें की कि मैं उसे माफ करके उसे अपना लूं, उसे अपनी जिंदगी में वापस बुला लूं। मैंने उसे कई साल प्यार किया था, कई साल लग गए मुझे उसके प्यार से उभरने में। पुलौटी तो ऐसा लगा जैसे मेरी जिंदगी मेरी खुशियां लौट आई। मैंने उसे माफ कर दिया। फिर उसने मुझसे पूछा, क्या तुम मुझे अपनाओगे। इस सवाल को सुनते ही मुझे वो सारे दिन, सारी यादें, सारे किस्से याद आ गए। हमारी पूरी रिलेशनशिप फ्लैश हो गई और मैंने आंखों में आंसू लिए जवाब दिया, कभी नहीं। मैं तुम्हें तुम्हारे किए पे माफ जरूर कर सकता हूँ, पर तुम्हारे जैसे इंसान को अपनाने की भूल कभी जिंदगी में नहीं कर सकता। वो जख्म जो तुमने दिए, वो आंसू जो तुम्हारी याद में हर रात दिन महीने सालों तक बहाए, वो कैसे भूल जाऊँ। वो दर्द जो तुमने दिया है, उसे कैसे भूल जाऊँ। ये जो हुआ है ना तुम्हारे साथ, ये तुम्हारे कर्मों की सजा है और इसे तुम्हें भुगतना पड़ेगा। अगर तुम्हारी कोई मजबूरी होती तो मैं शायद एक बार को तुम्हें अपना लेता, मगर तुमने मुझे किसी और के लिए छोड़ा। यू रिप्लेस्ड मी, हाउ कैन आई फॉरगेट। आई एम सॉरी, लेकिन मैं तुम्हारे साथ अब और नहीं चल सकता। हो सके तो मुझे दोबारा कॉल मत करना। इतना कहते ही मैंने फ़ोन रख दिया। ये पहली बार था जब मैंने उसको ना कहा था। मुझे रोना तो बहुत आया और मैं रोया भी, पर मैंने गलतियाँ दोहराने की भूल नहीं। ज़िंदगी में एक वक्त ऐसा आता है जब आपको दिल नहीं दिमाग से काम लेना पड़ता है। दिल अक्सर बहका देता है, पर दिमाग सब जानता है, सही गलत सब कुछ जानता है। हम सारी ज़िंदगी दिल की सुनते रहते हैं पर दिमाग को इग्नोर करते रहते हैं। कितना गलत करते हैं।